अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। जी गाइज, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। आज गाइज मैंने बनाने हैं बड़े ही मज़ेदार से सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी नरम नरम पैनकेक्स। घर में रेसिपी बनाई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ही ज़्यादा आसान से हैं। नॉर्मल इसमें इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, कोई हमें ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा हैवी चीज़ें ला के और उसके पैनकेक्स बनाने की, ठीक है जी। बिल्कुल आपको सारी जो इंग्रेडिएंट्स है ना घर से मिल जाएगी। उससे पहले जी मैं आपको बताती हूँ इन कप की कहानियाँ। जब फातिमा अभी बेकिंग की फील्ड में थी ना, तब उसने ये कप्स लिए थे, और मैं फातिमा पे ऑब्वियसली चले गई अपने ससुराल, तो उनके ये कप्स पीछे मेरे पास है। अब जब मैंने पैनकेक पहली दफ़ा बनाए थे ना, मैं साइड पर वीडियोज़ बनाऊँगी जो मैंने उनका बेरा गरक किया। कोई बात नहीं, पहले बंदा खराब करता है फिर ही सीखता है। जो मेरा घर किया ना, वो आप साइड पे देख लीजिए। अच्छा, जब मैंने पहली दफा पैनकेक्स बनाए ना, तब भी मैंने यही स्पून यूज किए थे, बट तब मुझे पता नहीं था कि इसमें से एक कप वाला कौन सा, इसमें 1/2 कप वाला कौन सा, 1/4 कप वाला कौन सा, तो मैंने अपने ध्यान से डाल दिया। गाइस आप लोगों ने मेरे नाखनों पर नहीं जाना, आजकल मुझे नेल बाइटिंग की बहुत ज्यादा आदत हुई है, तो मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा खैर, जब पहले दफ़ा बनाया ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये कप कौन सा है कौन सा है कौन सा है, ना मैंने ध्यान दिया। मैंने अंदाजे से चीज़ें ली और मैंने पहली दफ़ा कपकेक्स बना लिया। कपकेक्स बहुत मज़े के बने थे, सिर्फ उसकी शक्ल ख़राब हुई थी। खैर, फिर आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने वीडियो बना लिया, तो मैं अर्ली मॉर्निंग फातिमा अपी को कॉल कर लूँगी और उनसे पूछ लूँगी कि बाजी मुझे बताओ इसमें से एक कप कौन सा है, 1/4 कप कौन सा, 1/3 कप का। अल्लाह की तरफ से मेरी नज़र पड़ी, मैंने इन चमचियों को उठाया, मैं कॉल करने लगी और मेरी नज़र पड़ी तो उस पे सब कुछ पहले से मेंशन था। इसलिए कहते हैं हर चीज को गौर से देख लेनी चाहिए, आप लोगों का ही फायदा होता है। मैंने जब देखा तो इस पे हर स्पून पे लिखा हुआ था कि ये 200 ml है, ये 400 ml है, ये 1 कप है, ये 1/2 कप है, ये 1/4 कप है, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है जी। तो अगर आप भी बेकिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं या ऐसी चीजें कुकिंग वाली साइड पर आपको शौक है, तो आप इस साइड पर आना चाहते हैं, तो आपके पास अगर ये स्पून है तो बेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें सब कुछ मेंशन है। अच्छा जी, अब आते हैं रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार से हल्की हल्की सी धूप पड़ रही थी, मैंने कहा यार यहाँ पे रेसिपी बनाते अच्छी बनेगी, खैर यहाँ पे वीडियो बनाते अच्छी बनेगी। खैर, सबसे पहले हम लोगों ने लिया है जी एक अंडा। रेसिपी मैं रिटर्न फॉर्म पे एंड पे लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसमें लिया है चीनी, कितनी क्वांटिटी है वो मैंने एंड पे मेंशन कर दिया, आप उसके मुताबिक बना लीजिएगा, ठीक है। मुझे ये स्पून छोटे छोटे प्लास्टिक इतने पसंद आए हैं, इतने कलरफुल्स हैं, और ये जब वीडियोस बन रही थी आसपास पर इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा तो दिल आ गया। उसके बाद जी हम लोगों ने बस पिंच इसमें डाला है सॉल्ट का। उसके बाद जी हम लोगों ने इसमें ऐड करना है 1/2 आई गेस, हाँ 1/2 मिल्क। यार आजकल मैं कोशिश तो ये करती हूँ जब रेसिपी रिकॉर्ड कर रही होती है ना, सास से बोला करूँ, लेकिन आसपास इतना शोर होता है, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी। खैर, अभी हमने इसमें दूध भी डाल दिया। जितनी जितनी चीज़ें मैंने इसमें डाली है क्वान्टिटी, वो मैंने सारी एंड पे मैंशन किया है, आप प्लीज़ लास्ट पर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। सिर्फ उस पर ये लिखा है कि ये चीज़ है और इतनी क्या कहते हैं उसको क्वांटिटी है। उसके बाद जी हम लोग इसमें ऑयल ऐड करें, 1.5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल का। अच्छा जी गाइस, आजकल का सीन कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ और घर में हूँ, बस आजकल ये मेरी लाइफ में चल रहा है, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो बस अभी मैंने फातिमा को कहा, फातिमा मेरे मोमिन को लेके आओ, मेरे कंटेंट को लेके आओ, वो मेरे साथ रहता है, मुझे खुशी होती है, मैं उसकी वीडियोज़ बनाती हूँ, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उन्होंने वापस लेके आओ। तो अब वो इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में वापस आ जाएगा, फिर हम लोग फुल हला गुला दोबारा करेंगे। और मोमिन इतना बड़ा हो गया मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, भागता है, हाथ नहीं आता, दंदियां काटता है। खैर जी, उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला है 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ठीक है जी। जब आपने सारी चीज़ें डाल लेने, इसको अच्छी तरह कर लेना मिक्स, ठीक है। जो चीनी है ना, चीनी को आपने बेहतरीन तरीके से मिक्स कर देना है कि वो कहीं पे भी निशान, मतलब कहीं पे भी चीनी रह ना जाए। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, मैं आपको मोमिन की कहानी सुना रही थी, ये भरा हो गया, दंदियाँ काटता, कोई उसकी मामा को मारता है ना, तो फौरन जाके उसको दंदी काट के आता है। बस इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में वापस आ जाएगा, फिर हम लोग मोमिन के साथ हल्ला गुल्ला वगैरह करेंगे, फिर व्लॉग वगैरह भी हम लोग डालेंगे। अभी वो नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार रेसिपी जितनी मुझे आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद जी मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। मैं ना कह रही थी आयशा बड़ी अच्छी सी डिसेंट सी वीडियो बनानी है, एस्थेटिक, फुल एस्थेटिक जो होती है ना, वो वीडियो हम लोगों ने बनानी है, तो मैं इसलिए वापस स्पून ले गई थी पीछे। खैर, इसमें अब हम लोगों ने डाल दिया 1 कप मैदे का, ठीक है जी। 1 कप मैदे के साथ हम लोगों ने इसमें डालना है 1 टीस्पून
बेकिंग पाउडर का, ठीक है जी। बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, और इसको फिर हम लोग कर लेंगे अच्छी, किधर है हाँ ये देखें जी, इसमें अब हम लोग, यहाँ पे मुझे आयशा कह रही थी यार बेकिंग पाउडर इतना नहीं डलता, इतना नहीं डलता, इतना नहीं डलता। मैंने कहा डलता है डलता है डलता है, तू मुझे डाल लेने दे। कहती नहीं नहीं नहीं। खैर यहाँ पे मैंने बहुत हल्का रखा, 1 टी स्पून नहीं डाला, बट मैंने आगे जाके जब मैं इसको मिक्स कर रही थी और मैंने बनाया था तो वो उतने फूले नहीं, जिसकी वजह से मैंने एंड पे फिर इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था और मज़ीद। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, और उसके बाद जी ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। अच्छा आपने इतनी अच्छी तरह इसको पकड़ के मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ मिक्सचर जो होता है ना, जैसे जैसे मिक्स होता जाता है ना वैसे वैसे सख्त होता जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह पकड़ के मिक्स करना है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा बाउल भी हिलने लग गया था और ये क्लॉथ्स बन रहे थे, तो आपने ऐसे सीन नहीं करना है, इनको बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बनाना है अच्छी तरह। इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है, मैं आपको बताती हूँ मैंने इतनी ज़ोर से मिक्स किया था कि मेरा जो ये मिक्स करने वाला है ना ये गाइस ये मिक्सचर फेंटते फेंटते ना मेरा ये टेढ़ा हो गया ये देखें आपको नजर आ रहा है, बस फिर बात नहीं, हमारा मिक्सचर हो चुका है तैयार। ठीक है, ये आप देखें, ये देखें जी गाइस मिक्सचर हो चुका है हमारा अच्छी तरह मिक्स। ठीक है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चल रही है कितनी मतलब स्मूथ है और मज़ेदार से। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इसको कर लिया अच्छी तरह मिक्स, अब हम चलते हैं जी इसको कुक करने की तरफ। ये थी सिंपल सी रेसिपी और इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग करेंगे कि हम लोगों ने अपना लेना है पैन। यहाँ पर मैं आयशा को सिखा रही थी, मैंने कहा आयशा तू सिर्फ चूल्हा चूल्हा तू सिर्फ पैन पैन ना दिखाया कर, तेरी मेहरबानी थोड़ा सा एंगल बनाना सीख ले। क्या यहाँ पे मैंने उसका एंगल सेट करवाया, और उसके बाद जी अब हम करने लगे इसकी ऑयलिंग अच्छी तरह। ये देखिए जी, अब हम लगाएंगे ऑयल अच्छी तरह अपने पैन पे। अच्छा अगर आपके पास जो पैन है वो नॉन स्टिक है ना, तो फिर तो आपके पैनकेक्स बहुत ज़्यादा यमी बनेंगे, मतलब बनते ही यमी है, रेसिपी बहुत अच्छा, लेकिन स्मूथ बनेंगे, सॉफ्टनेस आएगी, वो कलर आएगा जो पैनकेक्स का ओरिजिनल कलर होता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया ऑयल। अब ये देखो, ये गाइस हमारा मिक्सचर है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये हमारा मिक्सचर है, ऐसे थोड़ा ऊपर से देखो, चलो अब ये देखो, अब मैं लग डालने लगी बिस्मिल्लाह बनना ही नहीं है, देख लो शेप ही खराब है। चलो कोई नहीं, पहली दफ़ा घर का है, दो दो करके बना लेते हैं, सही बात है, इसका ऑन रखना भी सिस्टम। चलो फिर बना देना, चल बना देना हल्की सी आग भी बन गया। अच्छा ये एंगल कहाँ लेके जा रही हो डंगर, ये मेरा सही बन रहा यहाँ पे बस। अच्छा दोनों दिखाओ, हमने डाला उल्टा है, देखें जी गाइस पैनकेक हमने डाल दिया, अब इसमें बबल फॉर्मेशन हो रही है। जब ये पूरा बबल से भर जाएगा ना हमने तब इसको उतारना है। ठीक है जी, ये भी मेरा पहली, ये दूसरी ट्राई है, एक दफ़ा पहले बनाए थे उसकी भी क्लिप मैं कहीं ना कहीं लगाऊंगी, इतने बकवास बने थे मैं आपको बता नहीं सकती थी। खैर अभी हमने पैनकेक इसमें हमने डाल दिया, अब बबल फॉर्मेशन होती है तो हम इसको चेंज करते हैं साइड। ठीक है जी, जो पहले वाले मेरे पैनकेक्स है ना उसकी वीडियो मैं लाजमी साइड्स पर लगाऊंगी, उनके हालात भी आप देख रहे गाइस। आंटी एक मिनट, हाँ ओके गाइस, ये देखिए बबल फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हम हमारे पास टाइम आया है इसको चेंज करने का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो मुझे तो लगता है थोड़ा कम डाला, अब आपने इसका कलर देखना है चेंज किया हुआ, ये गया पैनकेक, गाइस थोड़ा सा ब्राउन और होना चाहिए था, ये अभी तक उतना ब्राउन नहीं हुआ। चलो इसको ट्राई करते हैं, ये बिस्मिल्लाह, आए हाय 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 हाय
स्वेटर सही पहन गए गाइस। फाइनली पहली ट्राई, पहले फ्लॉप ट्राई के बाद, पहले फ्लॉप ट्राई के बाद सेकंड टाइम सही बना, ठीक है जी। ये देखिए नेक्स्ट में हम थोड़ा ऑयल ऑयल लगाएंगे, अभी हम इनको बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। गाइस शेप पे नहीं जाना, शेप अभी ना स्टार्टिंग है ना इसलिए ख़राब है, पहले वाली की शेप सही थी, है ना। एक साथ दी देख माजी समझने वाले समझेंगे गाइस, बकवास नहीं करो। बस ये डॉट सी बनी है और ये सही बनेंगे, सरे तो नहीं है, ब्राउन है। लोल पैन केक ऐसे ही होते हैं, ये देखें इसको सही कहते हैं। अभी हम लोगों ने ना गाइस उस भरे चम्मच से ना पैनकेक सही नहीं बन रहे थे, अब मैंने सोचा है मैं ये वो बड़ा चम्मच पता है कौन सा जिसे चाय डालते हैं गाइस, मैंने अब ये सोचा है कि ये वाला जो चम्मच है ना ये वाला एक चम्मच भर के डालूंगी, फिर देखते हैं शेप सही आती है कि नहीं। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था ना तब भी रेसिपी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ शेप का मसला था और अब भी शेप का मसला, अब मैंने यही ट्राई करना है, ठीक है। चलो गाइस ये मेरी थर्ड ट्राई है, मैंने पैन भी चेंज किया, ठीक है। शेप का मुझे पता चल गया क्या मसला है, मेरी ना सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है जिसकी वजह से जो मिक्सचर है ना वो एक साइड से दूसरी साइड को चला जाता है, इसलिए मेरी शेप सही नहीं आ रही। अब आए आयशा ये बिल्कुल ज़बरदस्त, आयशा का रिएक्शन देखे ये बिल्कुल ज़बरदस्त बना है क्या पैन केक, समझ लग गया मुझे। अब मैंने एक एक करके बनाना है और दरमियान में डालना है, फिर इसकी शेप सही होगी। ये इसमें ओए होए गाइस, इसको सही इस ये जो कलर है ना ये बिल्कुल सही कलर और आप फूला हुआ देखो, ये देखें गाइस बबल्स आ गए। अब बारी है इसको टर्न करने की, और अब बारी है इसको टर्न करने की, और ये देखें जी मज़ेदार से पैनकेक्स हमारे रेडी हैं। अब जल्दी से सारे बनाते हैं, ठीक है जी। ये और यहाँ पे भी ये हमारे रेडी पड़े हुए हैं, जल्दी से बनाते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। ये देखें जी गाइस मज़ेदार से पैनकेक्स हमारे हो चुके हैं रेडी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। अच्छा इसके अंदर जो शुगर है ना वो बहुत नॉर्मल है, बहुत 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 ज़्यादा नॉर्मल है, तो अगर आप इसको किसी चीज़ के साथ सर्व नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फीका लगेगा, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैं मीठे के कुछ ज़्यादा ही शौकीन है, तो आपने भी इसको सर्व लाजमी किसी चीज़ के साथ करना है। अच्छा जो मैं जो सर्व करूँगी ना वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं पहले इसकी टॉपिंग कर लूँ। अच्छा गाइज अब है बारी इसकी टॉपिंग करने के लिए। अच्छा इसकी टॉपिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी बनाना, ठीक है। इसकी टॉपिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी बनाना, ये हमारे पास बनाना है और साथ शहद, ठीक है जी। तो जल्दी से इसकी करते हैं हम लोग टॉपिंग, ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। एक कप केक के साथ ना हमने 4 पीस बनाना लाजमी देने अपने बच्चों को, ठीक है यार। देसी भी देसी ये देखें इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं बनाना, एक मतलब एक पैनकेक के साथ ना 4 पीस बनाना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ टोटल 4 रखे हैं, आपने एक कपकेक के साथ 4 देने हैं, ताकि अगर कोई छोटी बाइट लेता है तो 4 बाइट्स के साथ 4 बनाना पीस आराम से खा ले, क्योंकि जो सादा लेगा ना उसको ये बहुत ज़्यादा फीका लगेगा, इसलिए इसके साथ बनाना स्ट्रॉबेरी हनी चॉकलेट इस तरह की चीज़ें बेस्ट जाएंगी, ठीक है जी। अब मैं जल्दी से इसकी डिज़ाइनिंग करती हूँ, बनानास लगा दिया मैंने इसके ऊपर और अब इस पर हम ऐड करेंगे शहद। गाइस अभी मैंने इसको जितनी दफ़ा भी ट्राई किया है ना वो मैंने इसको शहद के साथ ही ट्राई किया, ठीक है। पहले भी जब मैंने बनाया था मैंने इसमें शहद ही ऐड किया था, और अब भी जब बनाया तो इसमें शहद ही ऐड किया, तो आप बाकी चीज़ें भी ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मैंने बनाना और शायद ही हर दफ़ा ऐड किया है। अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे हनी, ठीक है जी। ये देखें मज़ेदार से हमारे कपकेक्स हो गए हैं रेडी, ये देखें जी। अब करते हैं हम इसको सर्व, ठीक है। आज का रिव्यू हम लेते हैं आयशा से, उसको देख के आते हैं, उसको कहते हैं टेस्ट करें। तो यहाँ पे आ चुकी है आयशा जो आज हमें रिव्यू देगी पैनकेक्स का। लेना नहीं था बट पापा नहीं थे तो मजबूर है। एक पूरे मुंह में डालो तुम क्या अंग्रेज़ हो। बेटा पूरा तो तोड़ो। वाओ
पहनिया क्या नहीं मारो सी इतना तो कैसे इट्स गुड आई नो आई मेड इट हनी बहुत ज्यादा हनी तो और डाल लो हनी तुम मैंने कहा बहुत ज्यादा है तो तुम वो वाला खा लो जिसमें कम है आप लोग भी खा लो गाइस गाइस खा लें आप लोग भी मैं आपके शेयर खा लूंगा जाओ बदतमीज जी गाइस तो पैनकेक की रेसिपी टॉपिंग और रिव्यू आपने देख लिया ये है जी हमारे पास पूरी रेसिपी इसका ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट और बना के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि कैसे बने हैं मैंने दूसरी दफ़ा बनाए हैं मेरी रेसिपी मैंने 3-4 तरीक़ों से उसको डाल के आपको दिखा दिया आपके सामने था आपने भी लाजमी बनाना है मुझे बताना है कि कैसे बने हैं ठीक है इसमें मीठा बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपने उसको लाजमी हनी बनाना और चॉकलेट के साथ देने अगर और ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं चलें जी अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में